न्यूसेस वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ लखनऊ पुलिस ने शिल्पा और उनकी मां पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और मुंबई पुलिस अब पूछताछ के लिए एक्ट्रेस के घर पर पहुंच गई है। एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा और शिल्पा के नाम पर 2 FIR दर्ज की गई है। शिल्पा और उनकी मां पर आरोप है कि उन्होंने वेलनेस सेंटर की ब्रांच खोलने के नाम पर 2 लोगों से करोड़ों रुपए लिए हैं, लेकिन ब्रांच नहीं खोला गया। हालांकि इस सब के बीच कंपनी की चेयरपर्सन किरण बावा ने इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उनके मुताबिक शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी ने आयोसिस से काफी समय पहले ही खुद को अलग कर लिया था। मैं एक सिंगल पेरेंट और मेहनती बिजनेसमैन हूं। आयोसिस मेरे लिए एक ब्रांड नहीं बल्कि मेरे बच्चे की तरह है, जिसे काफी मेहनत के बाद मैंने खड़ा किया है। इस तरह की अफवाह उनकी कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचा रही है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी केस में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही एक्ट्रेस आए दिन किसी न किसी नए विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।